please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह. स्वागत है आपका रियल्टी मीडिया के एक और एपिसोड में. और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने पूरे देश के लिए अपना जीवन निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दिया. देश में जब भी कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बताया कि देश के लोगों के लिए कोई खड़ा है जो भ्रष्टाचार नहीं सहेगा. अन्ना जी, स्वागत है आपका रियल्टी मीडिया के शो में. मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपने 2011 में अनशन करा था, उसके बाद जो नई सरकार आई थी बीजेपी ये कहकर के आई थी केंद्र में कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे. कई जगह इन्होंने भाषण दिए, बहुत कुछ बोला. अब इनका कार्यकाल लगभग पूरा होने आ रहा है. आपके अनुसार क्या इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करा है? क्या है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुन कर आई थी. पहले सरकार थी, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, इसलिए लोग बाज आ गए थे. जीना मुश्किल हो रहा था, कहीं पर भी जाओ पैसे भी दिए बिना काम नहीं होता. और फिर आगे चुनाव में इन्होंने आश्वासन दिया कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करेंगे, तो लोगों को आशा के किरण जग गए. हाँ, अरे ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करे, चलो इनको वोट दे दो. और बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिया. अभी इनको 4 साल हो गया. 4 साल में पहली सरकार और इनमें भ्रष्टाचार तो आज भी कम नहीं हुआ. आज भी लोगों को पैसे दे बिना काम नहीं होता. फोर्ब्स संस्था इन्होंने 1.5 साल तक स्टडी किया और उन्होंने अपना रिपोर्ट बाहर निकाला. क्या कहा? पूरे एशिया में भारत भ्रष्टाचार में पहले क्रमांक पर है. तो क्या हुआ भाई, वो सरकार ये सरकार आश्वासन तो बहुत दिए थे, फिर क्यों नहीं पालन हुआ? आज भी बोल रहे भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना, इतना बड़े बड़े एडवर्टाइज कर रहे अखबारों में और बता रहे जनता को संकल्प करो भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण कर, ऐसे बोल रहे. और लोकपाल लोक आयुक्त जैसा भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून, उसको इन्होंने कमज़ोर किया. लागू तो नहीं किया, उसको लागू तो नहीं किया लेकिन कमज़ोर किया. एक बिल लाया, 44 बिल लाया. जो ऑफिसर है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपने पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी, अपने बच्चों के नाम की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने 31 मार्च को, इन्होंने हटा दिया उसको और करप्शन के लिए रास्ता खुला कर दिया ऑफिसरों को. और बोलते भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना, कैसे हो गया भ्रष्टाचार? सरकार मतलब विफल रही है इस मुद्दे पर. भ्रष्टाचार इन्होंने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करा, बल्कि इनके राज्य में बढ़ा है. अन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने 43 पत्र लिखे थे केंद्र सरकार को, वो किन किन मुद्दों पे थे और केंद्र सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वो अन्ना जी के पत्रों का जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने अपने किसी भी आदमी को भेजा नहीं आपके पास? नहीं, इसमें क्या है कि एक दो बातें नज़र आती है और जवाब क्यों नहीं दे रहे होंगे. एक तो इतना बिजी है वो, आज एक देश में कल दूसरे देश में परसों तीसरे देश में, कितने देश में टूर चल रही है. तो हमें लग रहा था कि ये जॉब नहीं दे रहे, इतने बिजी है, कहीं देश में जाना पड़ता है. एक तो ये कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है, क्या इनके दिल में युगो तो नहीं है, जॉब नहीं दे रहे, क्या कारण है? अभी तो कोई समझ में नहीं आया. अन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने चुनाव का तरीका बदला, हमने भी भ्रष्टाचार ख़त्म करा. आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सफल रही है दिल्ली में? भ्रष्टाचार ख़त्म करने के मुद्दे पे सफल रही है दिल्ली में? अरे जिनके आधे मंत्र तो भ्रष्टाचार के आरोप में घर चले गए,
वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण। अन्ना जी, आंदोलन शुरू हो रहा है अब, 23 मार्च से शुरू हो रहा है। इससे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था बहुत लंबा चला था, इस बार आपको क्या लग रहा है ज़्यादा लंबा चलेगा, और कहाँ कहाँ के किसान आएंगे इस आंदोलन में? ये तो सरकार पर निर्भर है, कितना दिन ये आंदोलन को चलने देना इसका निर्णय तो सरकार के हाथ में है। लेकिन इस आंदोलन में देश के विभिन्न भागों से किसान आ रहे हैं, कहाँ उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, इधर जम्मू कश्मीर, देश के हर कोने से, आसाम, सब जगह से आ रहे हैं। तो इस बार जब तक केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जब तक अभी ठोस निर्णय नहीं लेते तब तक अभी रुकना नहीं, आश्वासन पर रुकना नहीं, आश्वासन पर विश्वास नहीं, क्योंकि 4 साल से आश्वासन दे रहे, एक दो नए कितने आश्वासन दिए, पालन नहीं होता है, तो अभी आश्वासन पर विश्वास कैसे करें? अभी करेंगे या मरेंगे, आर या पार, कौन दो एक बार। अन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना समय देने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे अन्ना हजारे जी। 23 मार्च से आंदोलन शुरू होने वाला, ये देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन के बाद क्या होता है। इससे पहले जब आंदोलन हुआ था तो केंद्र की सरकार बदल गई थी और ये केवल अन्ना ही कर सकते हैं, और ये अन्ना ने करा था। अब इस आंदोलन के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। राकेश सिंह की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन शुभी गोयल के साथ, रियल्टी मीडिया के लिए।